गुरुवार को बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने लंबित मांगों को लेकर 3:32 से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका अपने प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। शुक्रवार को सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 3:32 से रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंची, लेकिन जब कोई प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया तो सभी महिलाएं कलेक्ट्रेट के गेट के सामने ही बैठ गई। इस दौरान न्यायालय रोड पर जाम की स्थिति बन गई और संघ की प्रदेश सहायिका लीला शर्मा ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शासन कर्मचारी घोषित किया जाए और साथ ही में समान वेतन दिया जाए और शिक्षा विभाग के संविलियन किया जाए। इसके अलावा रिटायरमेंट होने पर पेंशन का लाभ भी दिया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता मौजूद रही। किन मांगों को लेकर आप लोग रैली निकाली है? आपने कहा 25 सालों से रैली निकल रही है, कोई सार तो निकल नहीं रहा, तो ना पूरे मध्य प्रदेश में आज रैली है, ज्ञापन है, चौंगा बंद करवा दे। रोको रोको रोको। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सागर से सुनील लड़िया की रिपोर्ट।